नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने चकोड़ के फायदे लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो पीला फूल वाला पौधा दिख रहा है, यह कोई मामूली पौधा नहीं है। दोस्तों, एक तरह से यह तो एक साग सब्जी है। इसके भाजी बनाकर खाए जाते हैं। इसके पत्ते के हर कोई तो नहीं खाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जंगल के लोग वो इसके भाजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पौधा है। इसके इस तरह से फली भी लगते हैं, देख लीजिए। फली अभी छोटे छोटे हैं, कम से कम 7 से 8 इंच तक ये फली हो जाते हैं बड़े होकर। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके फली के भी भाजी बनते हैं। तो दोस्तों, यह एक बारहमासी पौधा है। बरसात के दिनों में उत्पन्न होता है, पूरा साल यह उत्पन्न होता ही रहता है। दोस्तों, इसे चक्रमर्द भी कहते हैं, पावाड़ भी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप किस नाम से इसे जानते हो, हमें जरूर बताइए कमेंट करके। तो आओ दोस्तों, चलें अब इसके फायदे के बारे में जानें। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा यह है कि इसका अगर भाजी बनाकर खाते हैं तो पेट के समस्त तकलीफों को यह दूर करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और दोस्तों, इसके पेस्ट बनाकर, अगर इसके पत्ते को पीसकर, पत्थर के सील में पीसकर पेस्ट बनाकर त्वचा पे लगाते हैं, लेप करते हैं, तो त्वचा सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है। और दोस्तों, अगर किसी को फोड़ा हो गया है, मुंह बंद फोड़ा है, तो इसके पत्तों को पीसकर गर्म करके लुगदी बनाकर उस जगह पर छोप देने से वो फोड़ा का मुंह फूट जाता है, अंदर का पीप मवाद निकल कर बाहर चला आता है, तो फोड़ा धीरे धीरे सूख जाता है। दोस्तों, ये जो फली दिख रहे हैं, अगर किसी स्त्री को मासिक महीना गड़बड़ी है, शुद्ध तरीके से महीना नहीं हो रहा है, तो इसके फली के अंदर पकने के बाद बीज निकलेंगे, उस बीज को पीसकर चूर्ण बनाकर सुबह शाम 1-1 ग्राम शहद के साथ चटाने से उस स्त्री का मासिक धर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई बच्चा कमजोर है, सुखंडी रोग हो गया है, तो इसके बीजों को सरसों के तेल में पकाकर, अभी तो छोटे हैं, पके हुए काले काले बीज निकलेंगे, उन बीजों को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल से बच्चे को मालिश करना है। लेकिन हाँ दोस्तों, उस तेल को तालाब में पैदा होने वाला घोंघी, करीबन 100 ग्राम घोंघी भी डाल देना और फिर उस बच्चे को मसाज करना, बच्चे का तंदुरुस्ती आएगा, सुखड़ रोग बिल्कुल मिट जाएगा। दोस्तों, ये पावड़ की पत्ती करीबन 15-20 पत्ती को लेकर आम की पत्ती के साथ पकाकर काढ़ा बनाना है। उस काढ़े में थोड़ा स्वादिष्ट नमक मिलाकर धीरे धीरे चाय जैसा पीने, सीने में जमा हुआ कप धीरे धीरे ढीला होकर बाहर निकल जाएगा टॉयलेट के साथ। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, हम अपना महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।